राम राम जी। बैसाख महीना मैं सुनने वाली सोमवार की कथा सुनाऊं, ध्यान करके सुन लियो। एक शिवजी महाराज जो क्लास पर रहता, शिवजी महाराज जी तो कभी मैं दुनिया का खेल देखने जाऊं बाजारों में तो पार्वती का मैं ही सागर चालूंगी। तो शिवजी महाराज बोले थे कठा चालूंगा थाना, भूख प्यास लगेगी मैं देखगा जाऊंगा। कहते हैं मैं तो सागर चालूंगा, जिद कर ली चाल पड़े। दोनों जना नादिया पे बैठ गया। तो ये बाजार में टप्पया तो आदमी के का दोनों जना बोझ मारे बैल ने चढ़ रहे। तो शिव जी महाराज आप उतर गया, पार्वती ने बिठाए रखे। तो फिर लोग अगर से गए तो लोग कब देख लुगाई ने तो बिठा रखी, आप जोगी नीचे चल। आगे गए तो शिव जी महाराज बैठ गया, पार्वती ने पैदल चलने लाग रही। तो कवे देखो देखो जोगी तो ऊपर बैठे है, लुगाई नीचे भागी जावे। तो शिव जी महाराज सोचे दुनिया की कौन टिकन देवे, तो ले गए अपने गाथ के नीचे एक दरखत आए पिंग नीचे बैठ गया, आराम करने लग गया। तो तकियो लगा के लेट गया, लुगाइया सर कर टप्पे तक देखी, देखो देखो जोगी है जी को तकियो नारू लगा के सोवे। तो लुगाइया बही लुगाइया पाछी आई, शिवजी महाराज तकियो काट दियो। तो कहे भी दुनिया का खेल तो नहीं रही है, चलो लुगाइया के कर ला इन तो गुस्सा आ गयो जोगी ने, तो आप कहे तो तकियो नहीं काट दियो। तो शिव जी महाराज बोले पार्वती ने अब अपन देख लिया दुनिया का खेल, अब अपन क्लास में पाछा चलना। तो पार्वती थोड़ा सा चले तो पार्वती का मन तो प्यास लाग रही है महाराज जी, जल पेड़ पड़ सी। तो शिव जी महाराज बोले मैं पहले ही कहो को नहीं कुछ खाण पीन नहीं मिला को थे चल लो ना, मन तो जल प्याण पड़ सी। तो फिर शिव जी महाराज जटा खोल गए गंगा जी बाधी। तो शिव जी महाराज पार्वती और नादियों तीनों जना जल पी लियो। तो थोड़ा सा आगे चल लिया तो पार्वती का मन तो भूख लाग रही है, मैं तो खीर खंड का भोजन खाऊंगी। तो शिव जी महाराज बोले अठकी सा खीर खंड का भोजन है अपने घरे, चल लो बैठा जा गई खाऊंगा। का नाम में तो ठीक खाऊंगी वो बैठ गई। तो शिव जी महाराज एक दिन अंगे घर जा गए, बोले अलख राम। बुढ़ी माई बोली अलख राम के चाहिए बाबा, कह मेरे घर वाली ने खीर खंड का भोजन चाहिए, कह मेरे तो घर में गा नहीं खानी है, कह कौन खीर खंड का भोजन। तो शिव जी महाराज दूसरा घर गए, अभी बुढ़ी माई ने बोले अलख राम। तो बा बोली हाँ महाराज आओ बैठो, के चाहिए महाराज जी, कह खीर खंड का भोजन चाहिए। तो कह चलो बा बर्तन लेगा बारह जान लगी, कह किन्ना जावे माई का, मैं तो सामग्री लाने जाऊँ खीर खंड का भोजन बनाऊँ। कह भीतर बढ़ गए देख, देखा तो अंदर दूध खांड दूध का टोकना खांड की बोरी सावला की बोरी भरी पड़ी है। तो खूब प्रसाद बनायो, फिर बना कर तीन पनवाड़ा परोसया, एक शिव जी महाराज को एक पार्वती को एक नादिया को। तो शिव जी महाराज बोले तीन और परोस, कह तीन किंगा, कह एक तेरो एक तेरा बेटा बहू को बहू और एक बेटा को। कम जी मेरे कठा बेटा बहू महाराज, मेरे घर मामे को नहीं। कह तू देख के लान घूमगा, देखा तो गंठ जोड़ा तो दम बहू बेटा खड़े। तो चलो सब ने प्रसाद खायो, खूब भंडार भर गया। तो ले गए सामने वह तो जान लगे शिव जी महाराज पार्वती तो चलिया गया, अरबा प्रसाद ले गए सारों में पहला बांटने गई। तो सारों में पहला भी बुढ़ी माई गई जकीन मना करी रसोई बनाने। तो बोले आज तेरे के हो कहीं ये महाराज आया, शिव जी महाराज मैं प्रसाद बनाया तो मैं कोई बात लगाऊ खड़ी। तो बात बाजी कह मेरो ले गया तो न दे गया, मेरो ले गया तो न दे गया। तो ठहरो महाराज ठहरो महाराज, पार्वती बोली महाराज बाबा जी आया बुढ़ी माई तो ठहर जाओ, कहते तो आज परेशान कर लियो और बुढ़ी माई के अम्बी बाजिया, मैं कौन रुकूँ का नहीं रुको। फिर रुक गया शिव जी महाराज, बोले हाँ बोल के कब कठे मेरो ले गए भी ना दे गए, कर ना मैं किंग लियो ना मैं कि नहीं लियो, मैं ना करी डोकरी भी ना आओगी तय ना करी तेरा ना होगी। तो कह मेरे तो कुछ ही कौन रहे हो, तो कह तेरा धन मैं साधो धन बांट के देगी तो तेरा हो जाओगो, धन तेरा होगा कौन जिंदगी में खाणने तेने मुक्का कौन। बोली महाराज ठीक है आधो दे दूंगी, फिर बना दो धन दियो जद भी मैं हो गयो सब कुछ। चलो जिसो भी ने रसोई बनाई बिसो दियो शिव जी महाराज, बिसो ही सब ने दियो जी की ना करी भी ना करियो बिसो ना करियो हे महाराज। जय हो शिव जी महाराज। शिव जी महाराज की कथा अच्छी लगी हो तो मैं सोमवार की कथा कही है, आपने अच्छी लगी हो तो आप सुनना।